निर्वाचन कमिशन को तरफ जो घोषणा है आपने शुणुले सतटी पर्यायर सारा देश में निर्वाचन को जाउची देश सबुठ सर्वबृहत गणतंत्र एवं ओडिशा चारिटी पर्यायर निर्वाचन को जीव मे तेरह ठू नहीं कि मे तेरह कोड़े पचिश और जून एक रे एवं चार तारिख में जून चार तारिख में भोट गणति सब क्षेत्र में सतटी पर्यायर उन्नीस एप्रिल एक जून भितर सतटी जाक पर्यायर निर्वाचन अनुष्ठित हे सारा देश रे एवं ये नहीं कि निर्वाचन विज्ञप्ति प्रकाश ठू नहीं कि भोट जो प्रार्थीपत्र प्रत्याहार तारीख सबकि निर्वाचन कमिशन विस्तृत भाव जहाँ दि जाइए सतटी फेज्रे जहाँ अनुमान कर आठटी फेज्रे एथर हो पारे किंतु जो जो 2019 जो भाई भाव में सतटी फेज्रे निर्वाचन को जाता देश एथर मध्य समान धरण रही सतटी फेज एवं जो रही चारिटी विधानसभा आसन चारिटी विधानसभा क्षेत्र जोटा रही चारिटाक राज्य विधानसभा निर्वाचन मध्य हबार थिला ओडिशा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश सेठी मध्य रहिबो आंध्र प्रदेश पई टिकिए अलग रही नोटिफिकेशन बा पोल डेट जदि कहा जाय परबो गैजेट जोटा विज्ञप्ति प्रकाश तारीख एवं जोटा रही आपणकर निर्वाचन तारीख टिके अलग रखिछन किंतु सिक्किम ओडिशा अरुणाचल प्रदेश रे सिक्किम रो 32 आसन पई ओडिशा रो 147 आसन पई अरुणाचल प्रदेश रो 60 आसन पई एवं आंध्र प्रदेश रो 175 आसन पई ये रही ओडिशा को जदि आमे टिके जदि टिके दबा अधिक गुरुत्व जेतु आमर निजर राज्यर ओडिशा रे जो भली भाबरे रही थिला चारिटी पर्यायर भोट ग्रहण करा जिवो ओडिशा रे एवं 13, 20, 25 एवं जून 1 ये जहाँ तारीख रही आपण मैंने जो भली भाबरे ये करूथिले एवं आज 16 मार्च 2024 तो अनाउंस हो जाए प्रथम जोटा चतुर्थ पर्याय सारा देश में जो चतुर्थ पर्याय रही पर्याय 28 आसन पर 13 मे 2024 ओडिशा रे निर्वाचन हम चतुर्थ फेज पंचम फेज जोटा 35 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन करा जिवो 13 मे 20 मे एवं तापर जहाँ रोच 25 मे रे परवर्ती जोटा रोची 42 आसेंबली कन्स्टिट्युएन्सी निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन मंडल करा जिवो एवं 1 जून ये चतुर्थ पर्याय रहिबो जोटा कि 42 विधानसभा आसन पई करा जिवो एवं भोट गणति 4 तारिख रे होची किंतु जेतेबेले आमे देखुचे जोटा प्रथम 13 मे रे ओडिशा रे निर्वाचन हबार अछि तापई 18 एप्रिल विज्ञप्ति जारी कर दिया जिवो लास्ट डेट रहिबो बा सर्वशेष तारीख रहिबो नोमिनेशन निजर प्रार्थीपत्र दाखल करिवार 25 एप्रिल 2024 जदि स्क्रुटिनी पई जोटा रहिबो 26 एप्रिल एवं प्रार्थीपत्र प्रत्याहार तारीख रहिबो 29 एप्रिल 2024 भोट दानर तारीख रहिबो 13 मे एवं सेहिबोली भाबरे 35 विधानसभा निर्वाचन मंडल 20 मे रे ओडिशा पई ये द्वितीय पर्याय किंतु सारा देश रे जदि देखिबा ये रहिबो पंचम पर्याय रो निर्वाचन एवं ये 20 मे 2024 ये जो दिन निर्वाचन हम एथिपाई विज्ञप्ति प्रकाश रो तारीख रहुची 26 एप्रिल 2024 एवं नोमिनेशन बा निजर प्रार्थीपत्र दाखल रो शेष तारीख रहिबो 3 मे एवं तार स्क्रुटिनी पई 4 मे रखा जाइछि एवं 6 मे रहिबो प्रार्थीपत्र प्रत्याहार रो शेष तारीख एवं 20 मे रहिछि जो भली भाबरे मु कहउथिलि ओडिशा पई द्वितीय किंतु पंचम फेज रहिबो सारा देश रे से भली भाबरे तृतीय पर्याय जोटा ओडिशा विधानसभा पई रहिबो एवं सारा देश पई षष्ठ पर्याय रे 42 आसन रे हबाकु जाउछि यार 25 मे रे तो रहिबो निर्वाचन तारीख किंतु गैजेट नोटिफिकेशन 29 एप्रिल रोच प्रार्थीपत्र प्रार्थी मैंने निजर नोमिनेशन दाखल करें 6 मे स्क्रुटिनी 7 मे हम एवं प्रत्याहार करें 9 मे यार रोचे निर्वाचन 25 मे एवं से भली भाव शेष जोटा पर्याय रही ओडिशा पई सप्तम फेज्रे रोच 1 जून रोच निर्वाचन तारीख यार 7 मे रेट अफ इश्यू गेजेट नोटिफिकेशन विज्ञप्ति प्रकाश पाइब
नोमिनेशन निज प्रार्थीपत्र दाखल करिवार शेष समय रौद मे 15 मे स्क्रुटिनी करा 17 मे प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष तारीख 1 जून 2024 रे जदि शेष निर्वाचन ओडिशा रे 4 जून रे पूरा देश रे वोट गणति एवं ये पूरा पूरी 7टी फेज रे वर्तमान निर्वाचन किभली हबो तार विस्तृत सूचना समस्त सामने रखि सारी किभली भाव में जाऊँगी ताकू नहीं कि केमिति जिबे सबुतक जदि ता भीतर जदि कहा गोटे पोल डेट जो रोच 22 राज्य रोच 2 पोल डेट रोच 4 राज्य कर्णाटक राजस्थान त्रिपुरा मणिपुर रे 3 पोल डेट बा 3 तारीख रे 3 पर्यायर जोठी निर्वाचन करा जिवो 2 राज्य करा जिवो छत्तीसगढ़ एवं आसाम रे 4 पर्यायर निर्वाचन करा जिवो 4 राज्य ओडिशा मध्यप्रदेश झारखंड क्षमा करिवे 3 राज्य ओडिशा मध्यप्रदेश एवं झारखंड रे 5 जोठी रहुचि पर्यायर रहुचि निर्वाचन करा जिवो ये रहिवो केवल महाराष्ट्र एवं जम्मू कश्मीर खूब संवेदनशील वर्तमान पर रही 2 जदि कह राज्य एवं 7 भिन्न पर्यायर जो निर्वाचन होनी राज्य ये भी खूब संवेदनशील जानपर एवं बड़ राज्य उत्तर प्रदेश बिहार एवं वेस्ट बेंगल बा पश्चिम बंग एवं गोटे पर्यायर 22 राज्य वर्तमान निर्वाचन हाबाक जाऊँगी उत्तरा अरुणाचल प्रदेश अंडमान निकोबार आइलैंड आंध्र प्रदेश चंडीगढ़ दादर नगर हवेली दिल्ली गोवा गुजरात हिमाचल प्रदेश हरियाणा केरला लक्षद्वीप लद्दाख मिजोराम मेघालय नागालैंड पुडुचेरी सिक्किम तमिलनाडु पंजाब तेलंगाना उत्तराखंड आपणकर जो जो जगह रही आपणकर जनरल इलेक्शन हम राज्य हो बा रही जो गुड़िक सबुठी पूरा सारा देश रे जो भली स्तर रे जतिकिटा पर्याय रे जीव सीधासलख ये संपर्क रे सूचना देइछंती निर्वाचन कमिशन सबनम आदेनी हम सहित दिल्ली जोड़ी होती जीवा सीधासलख सबनम का सबनम 7 पर्यायर एथर भी हम एक स्पष्ट भाव में करदे आम ओडिशा कथा जो देखुचे 4 पर्यायर हम ए मे 13 आरंभ हो जून 1 पर्यंत हम ए सारा देश भोट गणति जून 4 रखा जाए तेणु निर्वाचन आचरण विधि या सहित लागू करथ्य रखे देखते 26 राज्यर बाई इलेक्शन मध्य भितर हबो एवं एप्रिल 19 तारीख रु आरंभ हबो जनरल इलेक्शन एवं जोटा कि जे भले आपण कोथले 1 जून रे सरिबो 7 पर्याय रे हबो द्वितीय पर्याय 26 एप्रिल रे हबो तृतीय पर्याय 7 मे रे हबो चतुर्थ पर्याय 13 मे एवं पंचम पर्याय 20 मे षष्ठ पर्याय 25 मे एवं सप्तम पर्याय 1 जून रे हबो एवं 4 जून रे लोकसभा इलेक्शन रो रिजल्ट डिक्लेअर करा जिवो सेभली ओडिसा रे मध्ये 4 पर्याय रे हबो एवं और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ इन लास्ट 2 ईयर्स अगेन वी हैव डन लार्ज नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स। एक एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जो एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रहे हैं। पूछना नहीं चाह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए, सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वॉयलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है, सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी एज आई सेड दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउस एवर हाई
स्टार कैंपेनर ही और शी में भी वी विल नॉट सिट बैक वी विल टेक एक्शन नेक्स्ट सर वील टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम दैट साइड या द मिडिल रो सर जेंटलमैन होल्डिंग बोथ हिज हैंड्स अप उनको दे दीजिए थोड़ा जल्दी दें यस सर माइक के लोग थोड़ा जल्दी दें थोड़ा माइक जरा जल्दी दीजिए वो सेंट्रल रो में है वो हाथ दिखा रहे हैं वो जी मैं जी मैं आशीष हूँ अमर उजाला डिजिटल से मेरा सवाल है सर जो आपने अभी 4M की बात की थी उसके लिए क्या कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट आपने किया है अगर किया है तो वो क्या है सर जस्ट गिव इट टू हिम प्लीज मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूं अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सिस्टम को खत्म कर दिया है और जो चुनावी चंदे की जो पारदर्शिता की बातें होती हैं तो उसके लिए वो सिस्टम लाया गया था तो आयोग का अगला कदम क्या होगा क्योंकि इसके बाद से कैश की चुनौती है वो बढ़ेगी चुनाव में सर सुनील प्रभु फ्रॉम NDTV जस्ट two, three points because you just now made a comment that every EVM has a number and your own commission had asked for a totalizer. That totalizer has not happened because, if you wanted in the essence of free and fair election, then you should not be identified. The others you said disclose. In the interest of the general public, and now we can't get from Mr. Arun Goyal because he hasn't only cited personal reasons, in the best interest of the commission, would you be able to disclose what exactly happened? Why did Mr. Arun Goyal, who worked with you and sadly is not here today in this entire process, if you can come clean about what exactly happened, what were the differences that led to his sudden and abrupt exit? That's Ravi Tripathi, DD News. Go over there. Yeah. सर मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज से मेरा सवाल यह है कि एक तो सीट के नंबर जो सर आपने दिए हैं वो 543 के बजाय 544 हो रहे हैं काउंट करने पर ऐसा क्यों है ये एक तो जानकारी और दूसरा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो सवाल खड़ा किया हमारे किसी दोस्त ने कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है तो पिछली बार उन्होंने नाम दिया कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें मोदी के खिलाफ आप सॉफ्ट होते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ आप ज्यादा एक्शन लेते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा आरोप क्यों लगता है चुनाव आयोग सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से सर पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पूरी कंप्लीट टीम हो गए हैं दोनों चुनाव आयुक्तों को और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग का वास्ता हो रहा है हमारा सवाल यह है कि ये तो हमें अंदाजा था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे इस बार लेकिन ऐसा क्यों किया है हालांकि आपके पास वक्त है कोर्ट ने भी आपको वक्त दिया है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने की क्या वजह है Sir, my name is T.N. Ashok. I used to be former editor of PTI. I also write a lot of political articles from New York. So I just wanted to know, I was just following the Federal Election Commission of the U.S., which publishes on its website the amount of money raised by presidential candidates, like say, it has just come out only yesterday. Biden has raised about $106 million. Trump has raised $88 million. Nikki Haley has raised about $48 million and Vivek Ramaswamy has raised about $24 million. Is it possible for the Election Commission of India to publish such kind of details of not the candidates but the parties, how much have they raised for the 2024 elections? Yeah, thank you. CC will take questions. Now let me answer these questions first. Very critical, very important questions what are in everybody's discussion during this time, and it is necessary that one clears the stand on that. So first of all, I must congratulate that you have calculated it's 544, not 543. I never guessed that anybody would so quickly calculate this. कि ये 543 सीट हैं तो 544 टोटल में कैसे आ गई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो बार इलेक्शन होंगे विच इज इन मणिपुर तो वो दो बार काउंट हो रहा है इसलिए 544 है सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर्स लेट मी कम टू मिस्टर प्रभु यू आस्क्ड द क्वेश्चंस ऑन टोटलाइजर आई एंटायरली एग्री विद यू दैट बूथ वाइज
रिजल्ट मालूम होने से किस बूथ पर किसने किसको कितना वोट दिया ये जानने से इट्स नॉट ए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन इन द कंट्री. Therefore, we brought totalizer. The totalizer was an instrument कि जैसे एक राउंड में 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है तो 14 मशीन्स को एक साथ जोड़ दीजिए और 14 का रिजल्ट एक साथ आएगा तो कम से कम इतना पता नहीं लगेगा. लेकिन महाशय यहाँ तो एक ही मशीन के रिजल्ट पे भरोसा नहीं हो रहा. मैं 14 जोड़ दूंगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया. लेट द पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर इटसेल्फ. द नीड इज टू इंट्रोड्यूस टोटलाइजर. वी आर रेडी टू इंट्रोड्यूस. टेक्नोलॉजी इज रेडी. बट लेट वन हैज टू वर्क इन द एंटायर लैंडस्केप. लेट दैट बी मैच्योर्ड फर्दर. वी प्रिपेयर्ड द machine to take votes of the migrant workers remote voting. The prototype is ready. Machine can take 72 polling assemblies together. That's a step towards remote voting. We are also ready at some stage for remote voting through electronically through blockchains and all. But let mukhya nirbachan commissioner Rajiv Kumar kara प्रेस विज्ञप्ति एवं स्पष्ट भाव जब आम परिसंख्यान को वर्तमान पर्यंत बा तथ्य को वर्तमान पर्यंत देखा सातटी पर्यायर सारा देश में निर्वाचन अनुष्ठित होगा जाऊँगी. एप्रिल 19 एप्रिल 26 7 मे 13 मे 20 मे और जून 1 तारीख में निर्वाचन अनुष्ठित हम आ भितर ओडिशा परिप्रेक्षी जब आम कह मे 7 तारीख में प्रथम पर्याय क्षमा करेंगे मे 7 तारीख रु जो चित्र आसूरी से बाबद ओडिशार स्थिति ओडिशार से संख्या ना तेणु मोट पर आम जी देखा तेल आउ थे मुझे रखुच्छी 19 एप्रिल 26 एप्रिल 7 मे 13 मे 20 मे 25 मे एवं जून 1 तारीख ये हूँ सातटी पर्यायर तारीख जो तारीख में कि घोषणा होगा जो तारीख में कि निर्वाचन अनुषित होगाक जातर ओडिशा चारिटी पर्यायर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन हम तातर 13 मे 20 मे 25 मे एवं 1 जून यही चारोटी तारीख रे ओडिशा रे निर्वाचन अनुष्ठित होवाक जाउची चतुर्थ पंचम षष्ठ एवं सप्तम पर्यायर सीधा सड़क प्रशांत स्वाई आम सहित जोड़ी होती. प्रशांत राज्य रे आकु नहीं कि कौन प्रतिक्रिया आसुची देखु शिवश जो निर्वाचन तारीख घोषणा होती 13 20 25 1 यही चारिटी पर्यायर ओडिशा रे निर्वाचन हबो एवं जदि पर्यायक्रमे देखिबा राज्य रे 13 तारीख रे 28 विधानसभा अर्थात चारोटी लोकसभा क्षेत्र रे निर्वाचन करा जिवो एटा घोषणा करा जाइछि. सेहि भली भाव रे 20 तारीख रे 35 विधानसभा क्षेत्र अर्थात पांचटी लोकसभा क्षेत्र रे निर्वाचन हबो द्वितीय पर्याय रे. तृतीय पर्याय जो 25 रहिछि 25 तारीख मे 25 तारीख रे 42 विधानसभा क्षेत्र अर्थात 6 लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन हबो एवं जून 1 तारीख 42 विधानसभा क्षेत्र अर्थात 6 लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन हबो. ये होची चारोटी पर्यायर ओडिशार निर्वाचन हबा पई तारीख धार्य करा जाइछि एवं एही चारोटी पर्यायर किभळि भाबरे सुरुखुर रे निर्वाचन सब करा जिवो तार निर्वाचन प्रक्रिया कौन रहिबो नोटिफिकेशन किभळि करा जिवो ए सबु उपरे निर्वाचन कमिशन तांकर जो प्रेस मीट रे मत रखुथिले आपण सुनुथिले किभळि कडाकडी करा जाइछि ए विभिन्न क्षेत्र कथा कोंतु आचरण विधि किभळि भाबरे लागू करा जिवो ताकू कडाकडी करा जिवो एवं ओडिशा क्षेत्र रे जदि आपण देखिबे चारोटी पर्यायर मतदान हबो आमे आउथरे कहि रखिबाक चाहिबा जे 13 20 25 आ 1 चारोटी पर्यायर हबो. प्रथम पर्यायर चारोटी लोकसभा क्षेत्र द्वितीय पर्यायर पांचटी लोकसभा क्षेत्र तृतीय पर्यायर 6 एवं चतुर्थ पर्यायर 6 लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन करा जिवो एने कि निर्वाचन कमिशन को पक्षरु तारीख घोषणा करा जाई सारी एवं एबे प्रस्तुति जो रही राजनैतिक प्रस्तुति ताकू ताल देकि मध्ये जेहेतु घोषणा सरी पॉलिटिकल एक्टिविटी मध्ये आहुरी जोरदार हबो एवं एने कि विभिन्न चारोटी पर्याय पई चारोटी पर्याय नोटिफिकेशन करा जिवो एवं विधिवत भाव जो प्रक्रिया रही से प्रक्रिया गुड़िक हेबो निश्चित भाव. प्रशांत आउ टे विस्तृत तथ्य मध्य आम सामना को निश्चित भाव नहीं आसवा चतुर्थ पर्याय 28 विधानसभा क्षेत्र में जो निर्वाचन अनुष्ठित होगाक जाऊँगी अर्थात 4 लोकसभा क्षेत्र 7 विधानसभा क्षेत्र को लेकिन गोटे लोकसभा क्षेत्र को जदि आधार करवा 28 विधानसभा क्षेत्र अर्थात 4 लोकसभा क्षेत्र पर
प्रथम ओडिशार प्रथम पर्याय अर्थात सारा देश में होतबार जो पर्याय देखा ताकि चतुर्थ पर्याय से क्रम से जी देखा डेट ऑफ अनाउंसमेंट बा इश्यू ऑफ प्रेस रिलीज आज करा 16 मार्च रे एथस 18 एप्रिल ए बाबद गेजेट नोटिफिकेशन बाहर 25 एप्रिल नोमिनेशन फाइल करार तारीख रखी एवं सिक्योरिटी ऑफ नोमिनेशन जहाँ कि 26 एप्रिल रखी विजुअल ऑफ कैंडिडेटचर बा जो प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष तारीख ता 29 एप्रिल 2024 रखी डेट ऑफ पुल जो दिन निर्वाचन अनुष्ठित हो 13 मे 2024 सोमवार दिन रखी एवं सबुर गणतिर कथा यदि देखा ताकि 4 जून एवं 6 जून आरो अनाउंसमेंट बा इलेक्शन जो है डेट बिफोर विच इलेक्शन कैन बी कंप्लीटेड जोटा कि 6 जून सुधा निर्वाचन शेष करने निर्देश रही 4 जून गणति रही।